तथा ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें रियल ब्यूटी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे बनाए हुए लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू रियल ब्यूटी चैनल। फ्रेंड्स, आजकल फैशन के दौर में महिलाएं तरह तरह की लटकने वाले इयररिंग्स पहनती हैं। ये देखने में तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन इनसे पड़ने वाला दबाव आपके कान को छीन सकता है और कान का छेद बड़ा होता जाता है, और आखिरी में नौबत यह आ जाती है कि कान का छेद पूरा कट जाता है, जिससे आपको उसमें डॉक्टर के यहाँ जाकर टाँके लगवाने की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि बहुत तकलीफदायक होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको आज की वीडियो में एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिससे आप सिर्फ रात भर में ही लगाकर छोड़ देंगे तो आपका कान का छेद छोटा मिलेगा। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक ज़रूरी टिप भी दूंगी जो आपको भारी इयररिंग पहनने के बावजूद भी आपके कान के छेद को बड़ा नहीं होने देगा। ये फ्रेंड्स जो उपाय है, ये गारंटी से आपको काम करेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके लिए आपको खाने वाली गोंद लेना है, जो पेड़ पर होती है उस गोंद को लेना है और उसको पीस करके पाउडर बना लेना है। अब इस पाउडर का एक चुटकी भाग एक प्लेट में रखना है और उसमें 2 से 3 बूंद सिरका डालकर 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। सिरका आपको इतना ही डालना है जितने में गोंद का पाउडर अच्छे से फूल कर एक गाढ़ा पेस्ट के रूप में आ जाए। अब आपको इस गोंद के पेस्ट को एक माचिस की तीली की मदद से कानों के छेद में भर देना है और रात भर के लिए इसे ऐसे ही लगा छोड़ देना है। सुबह यह सूख जाएगी, फिर भी आपको इसमें पानी नहीं पड़ने देना है और दिन भर और लगा रखे रहने देना है। गोंद लगाने से आपके कान की छेद की दोनों ओर की सतह आपस में चिपकने लगेंगी और सेल्स का संपर्क भी बढ़ जाएगा, जिससे सेल्स आपस में मिल जाएंगी और आपके कान की जो पर्त है वो जुड़ जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक काम और करना है कि आपको गोंद के सूखने के बाद एक छोटी सी पतली कील के बराबर लकड़ी छेद में लगा लेनी है, नहीं तो आपके कान का पूरा छेद ही बंद हो जाएगा, फिर आपको इयररिंग्स पहनने में मुश्किल आ जाएगी। आपको एक बार में थोड़ा छेद बंद होता दिख जाएगा। 1-2 दिन और यही नुस्खा आजमा लेंगी तो अपने मन मुताबिक जितना आप चाहेंगी उतना छेद बंद कर सकेंगी। टिप, कान में जब भी कोई हैवी चीज़ पहने पीछे से सपोर्ट ज़रूर दें। आप चाहें तो एक बड़ी बिंदी लेकर उसमें छोटा सा छेद बना लें और कान की तल्ली से पहले उस बिंदी को लगा लें, इससे कान में सपोर्ट मिलेगा। या बाजार में प्लास्टिक का गोल छल्ला सपोर्ट के लिए मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और इसका रिजल्ट आप एक ही दिन में देख सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करेंगे आप, और ऐसे ही ब्यूटी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।